अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, शाद और आबाद होंगे अपने घरों में। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो आज इस दुआ के बाद मैं एक छोटा सा स्प्रेड बनाया था, ब्रेड स्प्रेड। तो ये मैंने इसके लिए एवोकाडोस लिए थे दो बड़े साइज में, और नमक, सॉल्ट एंड पेपर लिया था, और थोड़ा सा योगर्ट लिया था, और टमाटर और टोमेटो एंड अनियन और रेड चिली एंड ग्रीन चिली, थोड़ी थोड़ी ये सारी चीज़ें मैंने लेके, तो ये मैंने स्प्रेड बनाया है और ये बहुत मज़े का बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको अब जो टोस्ट हैं उसके ऊपर लगा के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सारा मैंने मिक्स कर दिया था, बस ये सारी चीज़ें डाल के ना, तो ये बना है, इतना इस क्वांटिटी में बन गया है इन दो एवोकाडोस से। तो ये बहुत हेल्थी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कोशिश किया करें कि नाश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बटरी और इस तरह का ना हो, इजी हो, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत तो करते नहीं कि डाइजेस्ट कर सकें। तो ये जो है इसका बटर वाला फ्लेवर होता है, लेकिन बटर नहीं होता और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो अब हम इसको स्प्रेड करेंगे ब्रेड पे, तो फिर आपको दिखाते हैं। ब्रेड को हम थोड़ा थोड़ा टोस्ट कर लेते हैं, और ये दो को मैंने कर लिया है। अब इसके ऊपर हम स्प्रेड को ऐसे करके लगा देते हैं। इसमें हम इसमें ऑलिव भी आप लगा सकते हैं, वो मेरे पास पड़े थे, लेकिन मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम से ही। इस तरह से आप चाहें तो इसके सैंडविच बना लें, चाहे तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। हम मोस्टली ऐसे ही खाते हैं, सैंडविचेस नहीं बनाते, ऐसे करके ऊपर टॉपिंग पे लगा के तो फिर इसको खा लेते हैं। और ये बिल्कुल हैवी महसूस भी नहीं होता और मज़े का भी लगता है। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। ये मज़ेदार से एवोकाडो टोस्ट बनकर तैयार हो गए हैं, और मेरा दिल तो नहीं था कि वीडियो बनाऊं, लेकिन इतने अच्छे बनते हैं ये, एकदम से मैंने सोचा कि चलो इसकी वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ। ये बहुत ईजी और बहुत हेल्दी बने हैं। साथ में मैंने अपनी बेटी के फेवरेट कप में चाय बनाई है। तो उम्मीद है कि आज के ये हेल्थी टोस्ट आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपने प्यारों को ये बना के खिलाएं। ओके जी, मिलते हैं एक नई रेसिपी या नए व्लॉग के साथ, इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।